हेलो, मिश्रा क्लासेस की तरफ से सभी को नमस्कार। देखिए, एक बार फिर क्वेश्चन लेकर के आए हैं। आज क्वेश्चन कराने जा रहे हैं मिनरल न्यूट्रिशन, बहुत ही इम्पोर्टेंट शानदार चैप्टर, और दो क्वेश्चन जरूर आते हैं नीट एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन कराने के पहले एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। देखिए, बायो की एनसीईआरटी बुक 11th और 12th लाइन बाय लाइन कराई जा रही है। अभी अपने पास पूरा पूरा एक महीना है और बायो आप एनसीईआरटी कर सकते हैं अगर तुम चाहो तो। मिश्रा क्लासेस के द्वारा एनसीईआरटी बायो की 11th और 12th बहुत ही मिनिमम चार्ज पर कराई जा रही है। अगर जो आप बायो अपनी स्ट्रांग करना चाहते हैं, क्योंकि नीट में बायो का बहुत बड़ा रोल होता है 50%, तो इस नंबर पर मुझसे बात करें 9826135699 और ज्वाइन करिए, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि बायो के अंदर 340+ नीट एग्जामिनेशन के अंदर नंबर लाने का, दिलाने का। अगर आपका भी उद्देश्य यही है तो आज अभी ज्वाइन करें। चलिए आज क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। देखिए, इन 1860 जूलियस सैक ने हाइड्रोपोनिक्स को डिस्कवर किया था। प्रश्न आता है, हाइड्रोपोनिक्स होता क्या है? जब सॉयल लेस सॉल्यूशन में प्लांट को ग्रो कराया जाता है तो उसे हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। ऐसा न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन जिसमें बिल्कुल सॉयल नहीं होती है, तब उसे हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ सेल के कौन कौन कहलाते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को स्ट्रक्चरल एलिमेंट कहा जाता है सेल के। दूसरा क्वेश्चन, अगर पूछा जाए क्लोरोफिल में कौन सी मेटल पाई जाती है, तो मैग्नीशियम पाई जाती है। एटीपी में फास्फोरस पाई जाती है। Mg2+ आयन एक्टिवेट किसको करते हैं, किस किस को एक्टिवेट करते हैं? जरूर तुम्हें याद रखना है, रेबुलोज, बाईफास्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज को एक्टिवेट करता है और फास्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज को एक्टिवेट करता है, और दोनों एंजाइम की फोटोसिंथेसिस में ज़बरदस्त रिक्वायरमेंट होती है। Zn2+ एक्टिवेट करता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को। मॉलिब्डेनम एक्टिवेट करता है नाइट्रोजिनेज एंजाइम को। पोटेशियम आयन स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। कैल्शियम मिडिल लैमला के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती है, क्योंकि मिडिल लैमला किसकी बनी होती है? कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है। Mg2+ आयन मेंटेन द राइबोसोम स्ट्रक्चर, क्योंकि राइबोसोम के दोनों यूनिट आपस में मैग्नीशियम आयन के द्वारा जुड़ी रहती हैं। तो कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है, प्लांट आयरन ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ फेरिक आयन। प्लांट आयरन को सिर्फ और सिर्फ फेरिक आयन को के रूप में ऑब्टेन करते हैं और किसी भी दूसरे फॉर्म में ऑब्टेन नहीं करते हैं। मैग्नीस एंड क्लोराइड एसेंशियल हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। जरूर याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वाटर की फोटोलिसिस में कौन से मिनरल की ज़रूरत होती है? तो मैग्नीस और क्लोराइड आयन दोनों की ज़रूरत होती है। फोटोलिसिस क्या होता है कि जब लाइट के द्वारा वाटर को स्प्लिट किया जाता है तो फोटोलिसिस कहलाती है, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है? वाटर से निकलती है। फोटोसिंथेसिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मिनरल न्यूट्रिशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट। दो क्वेश्चन जरूर आते हैं दोनों चैप्टरों से, दो दो क्वेश्चन आते हैं डेली। ये क्वेश्चन यूट्यूब पर 11 AM पर डाले जाते हैं, जरूर ध्यान से पढ़िए। और NCERT का कोई तोड़ नहीं है, कोई विकल्प नहीं है अगर आप नीट एग्जाम देना चाहते हैं तो, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए तुरंत NCERT बैच ज्वाइन करें मिनिमम फीस पर। मेरा उद्देश्य यही है कि कम फीस पर NCERT बुक सारे बच्चे इसको पढ़ सकें, सभी इसका फ़ायदा उठा सकें। इसी उद्देश्य से ये क्लास मैंने चालू की है, इसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने अपने ग्रुप पर शेयर कर लें। ओके।